नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक सॉन्ग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है, ये आप में से ही किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर आरसीए एजेंट के ऊपर वीडियो बनाएं और हमें बारीकियाँ बताएं कि आरसीए एजेंट कौन बन सकता है, उसकी क्या क्राइटेरिया थी, उसमें कौन से लोग जुड़ सकते हैं, उसकी क्या स्टाइपेंड होता है और किस तरीके से उसका काम करने का तरीका होता है और उसको क्या अलग से बेनिफिट मिलता है नॉर्मल एजेंट के मुकाबले। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो आरसीए एजेंट के ऊपर रहेगी, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि आरसीए एजेंट कैसे बन सकते हैं और कौन लोग आरसीए एजेंट बन सकते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी अपडेट आपको इंश्योरेंस से जुड़ी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए अपने वीडियो में चलते हैं, बात करते हैं आरसीए एजेंट के ऊपर। एलआईसी एजेंसी के प्रोग्राम के तहत दो, जैसे नॉर्मल एजेंट बनता है, ऐसे ही दो और एजेंट प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं आरसीए और एक होता है सीसीए। आरसीए होता है रूरल करियर एजेंट, जिसके बारे में वीडियो में बात करेंगे, और सीसीए होता है सिटी करियर एजेंट। सिटी करियर एजेंट सिटी में काम करता है दोस्तों, और रूरल करियर एजेंट रूरल एरिया में काम करता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कंडीशंस क्या होती है, उसको अलग से क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे, साथ साथ में मैं आपको बताता रहूँगा कि सारे बेनिफिट, ताकि आपको कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे ताकि आपको आगे चल के कभी ज़रूरत पड़े तो इसको आप अप टू डेट कर सकें। दोस्तों अगर हम आरसीए की बात करें तो उसको बोलते हैं रूरल करियर एजेंट, जैसे मैंने बताया। और हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है, मतलब इसको लेने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मिनिमम टारगेट क्या होता है बिजनेस का, इसके अंदर कितनी पॉलिसी, कितनी लाइफ और कितना प्रीमियम करना होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें अलग से एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल एजेंट से मतलब कि नॉर्मल एजेंट और आरसीए एजेंट में क्या डिफरेंस होता है या क्या अंतर होता है, उसको एडिशनल क्या बेनिफिट मिलता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, तो मिनिमम रूरल करियर एजेंट बनने के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। किसी भी बोर्ड से हो सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, मिनिमम 10th पास होना जरूरी है। दोस्तों अगर एज क्राइटेरिया की बात करूँ, एज लिमिट की बात करूँ, तो उम्र की जो सीमा यहाँ पर रखी गई वो 18 से 35 साल की रखी गई, यानी कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, 18 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी में अगर है तो 18 से 35 साल की उम्र है, आरसीए एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वहीं पर वो किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी से आते हैं, तो वहाँ पर उनकी उम्र सीमा जो है 18 से 40 है। दोस्तों जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो उसके बाद उसको आईआरडीए का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं IC38 का एग्ज़ाम। और वह IC38 का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो आरसी एजेंट बन जाता है। अब आरसी एजेंट बनने के बाद उसको किस तरीके से काम करना होता है और उसको क्या अलग से बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में बात करते हैं अगली स्लाइड में। दोस्तों बेनिफिट की अगर हम बात करें तो आरसीए एजेंट हो चाहे नॉर्मल एजेंट हो, जो भी वो पॉलिसी बेचेगा उसका कमीशन एज इट इज़ वही रहेगा। एलआईसी का जो कमीशन स्ट्रक्चर एक नॉर्मल एजेंट के लिए और आरसीए एजेंट के लिए बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं स्टाइपेंड की, या बात कर लेते हैं कंपनसेशन की। रूरल करियर एजेंट जब मार्केट में काम करने जाता है तो एलआईसी उसको एक अलग से कंपनसेशन पे करती है, जिसको हम स्टाइपेंड के रूप में जानते हैं। और ये जो स्टाइपेंड होता है 5,000 रुपये होता है दोस्तों प्रति माह, यानी 5,000 की एक तरह से कह लीजिए मंथली सैलरी मिलती है उसको। और ये जो सैलरी है, इसकी जो लिमिट रखी गई है सिर्फ 2 साल की रखी गई है, मतलब 2 साल तक ये उसको मिलेगी। पहले साल उसको 5,000 रुपये मिलेंगे और उसके दूसरे साल उसको मिलेंगे 4,000 रुपये प्रति माह। दो स्टाइपेंड उसको मिलेंगे दोस्तों, एक तो पहला साल मिलेगा जो 5,000 रुपये प्रति माह, तो ये बनता है उसका साल का 60,000 रुपये, और दूसरा स्टाइपेंड मिलेगा 4,000 रुपये प्रति माह, यानी ये बनेगा आपका 48,000 रुपये। तो अगर हम मोटा मोटा देख के चल तो 1,08,000 रुपये उसके एडिशनल हो जाते हैं बाकी एजेंटों के अलावा, बाकी एजेंट के काम करने के अलावा। जो नॉर्मल एजेंट होता है वो सिर्फ कमीशन पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर आरसीए एजेंट को कमीशन तो एज इट इज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको ये स्टाइपेंड भी मिलेगा 1,08,000 रुपये का, जो कि 2 साल के लिए उसका फिक्स होता है। स्टाइपेंड को लेने के क्या नियम और शर्तें हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में। दोस्तों बात करते हैं कंडीशन के ऊपर, बात करते हैं नियम और शर्तों के ऊपर कि इस स्टाइपेंड को लेने के लिए आरसी एजेंट को करना क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आरसी एजेंट की 3 क्राइटेरिया रखी गई इस स्टाइपेंड को लेने के लिए। पहला क्राइटेरिया कि 6 महीने के जो काम होते हैं वो कम से कम उसका 1,200 रुपये महीना कमीशन बनना चाहिए उस 6 महीने के अंदर। और दूसरी साथ में 12 लाइफ होनी चाहिए उसकी, यानी कि हर महीने 2 लाइफ उसको करना जरूरी है, तो जाकर के उसके 6 महीने 12 लाइफ बन जाएगी और 7,200 रुपये का कमीशन बन जाता है, तो ये स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हो जाता है, यानी स्टाइपेंड उसको मिल जाएगा। दूसरी सत की बात करते हो दोस्तों, उसको 3-3 लाइफ हर महीने करनी है, आखिरी के 6 महीने में 18 लाइफ हो जाएगी यहाँ पे, और 2,800 रुपये का कमीशन कमाना है, तो 16,800 रुपये का उसका फर्स्ट कमीशन होना चाहिए, तब जाके उसको ये स्टाइपेंड मिल जाएगा। अब तीसरी कंडीशन इसमें एलिशन रखी है दोस्तों, तीसरी कंडीशन है कि या तो वो पूरे साल में 30 लाइफ कर दे और 2,400 रुपये का फर्स्ट कमीशन कमा ले, तो भी उसको ये स्टाइपेंड मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये स्टाइपेंड डिपेंड करता है आपके इन तीनों शर्तों के ऊपर कि आप तीनों में से कोई भी एक क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये स्टाइपेंड कंफर्म हो गया, यानी कि आपको 5,000 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये आपके फिक्स हो गए आपके कमीशन के अलावा। यही सेम कंडीशन दोस्तों आपकी दूसरे साल भी चलेगी जो पहले साल है। अब दोस्तों कुछ सवाल जवाब पे आते हैं जो लोगों के अक्सर सवाल होते हैं इस आरसीए एजेंट को लेकर के। सबसे पहले कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया इस आरसीए एजेंट के लिए रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वही एलिजिबल है, वही इस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको किसको संपर्क करना है आरसी एजेंट बनने के लिए, तो आप अपने नियर बाई जो आपके नज़दीकी एलआईसी की शाखा है, एलआईसी की ब्रांच है, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी डीओ को कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई एलआईसी में सीएलआई है उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है आरसी एजेंट बनाने की, तो आप वहाँ जा करके आरसी एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है जैसे मैंने बताया 10वीं पास का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का अकाउंट। ये चार चीज़ें मैंडेटरी दोस्तों, उसके बाद ही आप आरसी एजेंट बन पाएंगे। तो बहुत अच्छा विकल्प है किसी भी व्यक्ति के लिए जो घर में खाली बैठा हुआ है और 10वीं पास है, तो वो आरसी एजेंट के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो रूरल एरिया में रहता है और अच्छा बिजनेस करके अच्छा कमीशन के साथ साथ एक फिक्स सैलरी भी पा सकता है 2 साल के लिए। तो इससे जुड़ी अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे उस पर भी चैट कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको जवाब मैं जल्द से जल्द दूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको इस तरीके की अपडेट जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो दोस्तों अपना समय देने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।